नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौआकोल थाना क्षेत्र के कधर चंद्रदीप पथ पर महापुर मोड़ घोघरा पर के पास 4 जुलाई मंगलवार की देर शाम लगभग 9 बजे अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट कर लूटी गई बाइक को पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 5 अंतरजिला अपराधियों को भी उसके पास रहे 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में सफल रही। कौआकोल थाना में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए पकरीब्रावा के SDPO महेश चौधरी ने बताया कि 4 जुलाई 1923 की रात्रि छबैल गांव निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र शुभम कुमार चिहुटिया गांव से अपने दुकान को बंद कर अपाची बाइक से अपने घर छबैल लौट रहे थे, तभी महापुर मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा वाहन को रोक कर युवक के साथ मारपीट कर अपाची बाइक एवं मोबाइल व नकदी लूट लिया। इस घटना को लेकर कौआकोल थाना में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कांड संख्या 404/23 के तहत मामला दर्ज कराया गया। घटना को नवादा SP अंबरीश राहुल ने काफी गंभीरता से लेते हुए तत्काल पकरीब्रावा SDPO के नेतृत्व में कौआकोल थानाध्यक्ष एवं DIU के साथ एक SIT टीम का गठन किया एवं घटना को लेकर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सबसे पहले कौआकोल थाना क्षेत्र के डोमनबाग गांव निवासी केदार यादव के पुत्र नीतीश कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य 6 अपराधियों के नाम का खुलासा किया। नीतीश कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर शेखपुरा जिला के कसार थाना अंतर्गत वर्नी गांव निवासी महावीर प्रसाद यादव के पुत्र संजय कुमार को उसके ससुराल पकरीब्रावा थाना क्षेत्र के कोयरिया बिघा से लूटी गई बाइक के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उक्त दोनों अपराधियों के निशानदेही पर इस घटना में शामिल कौआकोल थाना क्षेत्र के करहरा गांव निवासी मदन प्रसाद के पुत्र मंजीत कुमार, विशनपुर गांव निवासी संजय यादव के पुत्र धर्मवीर कुमार तथा कादिरगंज थाना के हरला गांव निवासी रामस्वरूप महतो के पुत्र आकाश कुमार महतो को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया। सभी अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार 5 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य अपराधी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। SDPO ने कहा कि लूट की इस वारदात को पुलिस बहुत कम समय में सफल उद्भेदन करने में सफल रही है। गिरफ्तार अपराधियों का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। दिनांक 4/7/2023 को कौआकोल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि शुभम कुमार पिता सुरेंद्र सिंह ग्राम छबैल जो अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे, तभी रात्रि में करीब 9 बजे महापुर घोघरा पर मोड़ के पास अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा अपाची मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं नगद 8,500 रुपया लूट लिया गया। सूचना प्राप्त होते ही कौआकोल थाना में कांड संख्या 404/23 दिनांक 5/7/23 दर्ज किया गया। कांड दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरीब्रावा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष कौआकोल, जिला सूचना इकाई नवादा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सम्मिलित थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। इस कांड में लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है एवं घटना कार्य करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में नीतीश कुमार साकिन डोमन बगीचा थाना कौआकोल, संजय कुमार साकिन बरनी थाना कसार जिला शेखपुरा, मंजीत कुमार ग्राम करहारा थाना कौआकोल, आकाश कुमार साकिन हरला थाना कादिरगंज, धर्मवीर कुमार साकिन बिशनपुर थाना कौआकोल को गिरफ्तार किया गया है एवं बरामद सामानों में लूटी गई ब्लू रंग की अपाची मोटरसाइकिल,
6 मोबाइल एवं बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवादा पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के लिए हमेशा सतर्क है और इनमें जो भी व्यक्ति या अपराधी शामिल है उन्हें तत्काल गिरफ्तारी करने का निर्देश हमारे अधीक्षक महोदय द्वारा दी जाती है, जिसका फलाफल है या जिस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है।